हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साइंस की पिछली क्लास में हम लोगों ने पौधों में किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसको पढ़ा था, और साथ ही फूल से किस प्रकार से फल का निर्माण होता है ना, वो पढ़ा था हमने, और फ्लावर के सभी पार्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन। देखिए, सभी स्तनियों में, स्तनी यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं मैमल्स, तो उसमें क्या होता है कि मादा और नर जंतु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। और मनुष्य की बात कर रहा है तो मनुष्य में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। स्पष्ट यानी कि साम बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देख के बता सकते हैं कि हाँ, ये एक नर है और एक ये एक मादा है। ठीक, तो देखिए लिखा है कि अर्थात स्त्री व पुरुष में क्रमशः मादा और नर जननांग होते हैं, है ना। और ये होते हैं जरायुज जंतु होते हैं, प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं, और इसलिए अंडे के निषेचन से लेकर निषेचित अंडे के इम्ब्रियो तथा बाद में इम्ब्रियो से शिशु के निर्माण तक की सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं, स्त्री के शरीर में ही होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, स्त्री के गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ वुमन। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि पीयूष ग्रंथि होता है बेटा, हाँ, हमारे शरीर में मस्तिष्क के पास। ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के पास फिर पीयूष ग्रंथि लगा रहता है वहीं से। तो पीयूष ग्रंथि से एक जनद प्रेरक हार्मोन स्रावित होता है, हाँ, 11 से 13 वर्ष की उम्र में। तो क्या होता है कि कन्याओं में रजोधर्म तथा अंडाशय तथा उनके सहायक अंगों के विकास को ये प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन है ये? जनद प्रेरक हार्मोन। ठीक है, ये लड़कियों में स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, जो कि इनमें रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहा है। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और साथ ही जो अंडाशय का निर्माण होता है तो उसके लिए सहायक अंगों के निर्माण को भी, विकास को भी ये प्रेरित करता है। देखिए, तो प्रमुख कौन कौन से इसमें कैरेक्टर जो है, क्या क्या विकास होता है स्त्रियों में, तो होता है पहला देखिए स्तनों का विकास हो जाता है। ठीक, इसके अलावा बाह्य जननांगों का भी समुचित विकास होने लगता है, श्रोणि भाग चौड़ा होने लगता है। इसके अलावा देखिए मासिक स्राव यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल और आर्तव चक्र का भी प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है किसी में हो जाता है। और जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं में स्वभाव में इनकी शीतलता आ जाती है और आवाज महीन हो जाता है। ठीक, तो ये मुख्य रूप से है इनके। अब देखिए, अंडाशय के अंदर जो पुटिकाएं उपस्थित होती हैं उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण होने लगता है ना। इसको एस्ट्रोजन हार्मोन को ही बोलते हैं मादा हार्मोन। तो जिसके फलस्वरूप, इस हार्मोन के फलस्वरूप यौनारंभ प्यूबर्टी के लिए परिवर्तन होने लगता है। ठीक, यानी कि एक छोटी बच्ची जो है वो विकसित होने लगती है, किशोरावस्था में पहुँच जाती है। नेक्स्ट साइडिंग है, देखिए पुरुष के गौण लैंगिक लक्षण। अभी हमने मादा के पढ़े, ठीक है, महिला के, अब पुरुष के देख लेते हैं। तो पुरुषों में यौनावस्था जो होती है 15 से 18 वर्ष में स्टार्ट होता है। देखिए, जब इनमें पुरुषों में स्टार्ट होती है यौनावस्था, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो उनका शरीर जो है अधिक मजबूत हो जाता है, पेशी युक्त सुदौल हो जाता है और अधिक शक्तिशाली हो जाता है शरीर, कंधे अधिक चौड़े हो जाते हैं और वृद्धि के कारण लंबाई भी बढ़ने लगती है, चेहरे पर मूछ का विकास होने लगता है और बाद में दाढ़ी के बाल भी निकल लगते हैं, है ना। आवाज में परिवर्तन आ जाता है, आवाज जो है भारी हो जाती है। इसके अलावा देखिए, जो पुरुषों में वृषण होता है उसमें बनने वाले नर हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का जो है प्रारंभ हो जाता है। अभी हमने महिला का हार्मोन देखा ना, महिला हार्मोन कौन था? एस्ट्रोजन। और पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये बनना जो है प्रारंभ हो जाता है। और ये देखिए 20 वर्ष की आयु तक अधिक मात्रा में स्रावित होता है, और उसके बाद अनेक और जो स्रावित होता है तो इससे जो है अनेक शारीरिक लक्षणों में ये परिवर्तन आने लगते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान देने वाली चीज़ है कि मादा हार्मोन कौन सा होता है और नर हार्मोन कौन सा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो जनन कोशिकाओं का उत्पादन करने वाले अंग तथा जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंगों को संयुक्त रूप से कहते हैं नर जनन
तंत्र। ठीक है, तो मानव जनन तंत्र में देखते हैं कौन कौन से अंग होते हैं। तो पहला है बेटा वृषण यानी कि टेस्टिस। तो मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में क्या होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं। एक जोड़ी यानी कि संख्या में कितने होते हैं ये, दो, है ना, संख्या में दो। एक जोड़ा समझ रहा है ना, जोड़ा मतलब संख्या में दो। और साथ ही वृषण कोश यानी सेक्टरल सेक्स में, सॉरी सेक्टरल सैक बोलते हैं इसको, स्थित होते हैं। तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में ही होता है। ठीक, स्पर्म जो बनते हैं, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में, टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, नर हार्मोन होता है ना। और ये हार्मोन नर में शुक्राणु, शुक्राणु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त ये लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं नर हार्मोन। चलिए नेक्स्ट जो है अंग, तो नेक्स्ट है अधिवृषण या फिर एपिडिडाइमस। तो देखिए प्रत्येक वृषण से एक लंबी लगभग 6 मीटर सक्रिय चपटी और अत्यधिक कुंडली नली चिपकी रहती है। ये नली वृषण की अपवाहक नलिकाओं के मिलने से बनती है, जिसे बोलते हैं अधिवृषण। चलिए नेक्स्ट है शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस। तो अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस के नीचे से पश्च भाग से लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी एक वास डिफरेंस निकलती है, शुक्राशय तक पहुंचती है। शुक्राशय देखते हैं कैसा होता है, तो ये थैली के समान संरचनाएं होती हैं और इसमें एक क्षारीय तरल स्रावित होता है जो कि सीमेन यानी कि वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए श्लेष्मा यानी कि पेनिस। तो ये होता है नर मैथुनांग होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है मेल का, जो मादा में अंडवाहिनी के आधार पर शुक्राणुओं को जमा करने का काम करता है ताकि अंडों का शरीर के अंदर निषेचन हो सके, है ना, ताकि जो अंडे होते हैं मादा शरीर में वहां तक शुक्राणु पहुंच जाए और उनका फर्टिलाइज कर सके, उनको निषेचित कर सके। ठीक है, छठाई देखिए सहायक ग्रंथियां। तो दो प्रकार की सहायक ग्रंथियां होती हैं, एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि देखिए एक जोड़ी होती, एक जोड़े में होती हैं। द्विपालित ग्रंथियां होती हैं जो कि मूत्र मार्ग में खुलती हैं, ठीक है, जहां से यूरिन विसर्जन होता है वहां पे ये खुलती हैं। और इनसे जो है एक विशेष गंधयुक्त पतला तथा दूधिया, ठीक है, मिल्की कलर का तरल भाग, तरल पदार्थ स्रावित होता है जो कि सीमेन का 25% भाग बनाता है। देखिए अभी हमने पढ़ा ना कि जो शुक्राशय में एक क्षारीय तरल होता था वो क्या करता था, सीमेन का 60% भाग बनाता था। और यहाँ देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड में एक पतला मिल्की तरह का दूधिया तरल पदार्थ होता है जो सीमेन का 25% भाग बनाता है। नेक्स्ट देखिए काउपर ग्रंथियाँ, काउपर ग्लैंड्स। तो मूत्रमार्ग के दोनों तरफ एक छोटी छोटी फ्लास्क के आकार की ग्रंथियाँ होती हैं। ये जो होती हैं ये मूत्रमार्ग में ही खुलती हैं और इनसे निकलने वाला स्राव यानी जो इनसे निकलने वाला स्रावित होने वाला पदार्थ, ठीक है, कैसा होता है, श्लेष्मी होता है और साथ ही क्षारीय प्रकृति का होता है जो कि सीमेन के साथ जब मिल जाता है तो ये मार्ग को चिकना बनाता है और साथ ही यूरिन यानी मूत्र की अम्लता को भी ये नष्ट कर देता है, यानी कि यूरिन जो अधिक अम्लीय होता है उसकी अम्लता को भी ये नष्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हेडिंग है देखिए वीर तथा उसके कार्य, है ना, कि वीर क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, इसके हम देखेंगे। वीर को मैं बार में बता रही हूँ आप लोगों को, वीर को बोलते हैं इंग्लिश में सीमेन। ठीक, तो ये कैसा होता है, हल्के पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है, तरल होता है और वीर्य में शुक्राणु भरे रहते हैं, है ना, स्पर्म होते हैं जो कि श्लेष्मक और सहायक ग्रंथियों के स्राव में उपस्थित होते हैं। और इनका कार्य होता है शुक्राणुओं को पोषक पदार्थ करना और ये एक जो है तरल माध्यम की तरह भी कार्य करते हैं जिससे कि शुक्राणुओं का स्थानांतरण सुरक्षित रूप से हो सके, है ना, जैसे कोई लिक्विड पदार्थ ऐसे से होता है ना तो उसी में जो है शुक्राणु इस तरह से अटैच रहें, मतलब रहते हैं, स्थित रहते हैं।
इस तरीके से, है ना। तो इनका कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य में शुक्राणु। तो शुक्राणु जो होता है दो मुख्य भागों, शीर्ष और पूंछ से बना होता है, और ये आनुवांशिक पदार्थ युक्त सूक्ष्म संरचना होती है। लंबी पूंछ की सहायता से तैर कर मादा जनन कोशिका तक ये पहुंच जाती है, और नर युग्मक में 4 मिली वीर्य में लगभग 90 मिलियन, देख रहे हैं आप, केवल 4 मिली वीर्य है सीमेन है, उसमें कितने होते हैं 90 मिलियन शुक्राणु होते हैं, ठीक है। और तीन जो होते हैं इसके भाग होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं, इसके अलावा तीन भागों में भी ये विभाजित किया जाता है ना। पहला होता है हेड यानी कि सिर, तो चम्मच के आकार का होता है, जिसमें कि केंद्रक होता है और उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। सिर के शीर्ष भाग पर विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम, और यही एक्रोसोम जो होता है वो क्या करती है, निषेचन के लिए सहायक संरचना होती है। नेक्स्ट देखो बेटा, मध्य खंड यानी कि मिडिल पीस, तो ये क्या होता है कि सिर से ग्रीवा तक यानी गर्दन तक जुड़ा हुआ भाग होता है। ग्रीवा के अंदर दो तारक केंद्र होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, जो पिछले तारक केंद्रों से बना एक लंबा अक्षीय तंतु इसके मध्य में स्थित रहता है, और इसके चारों ओर एक सर्पिलाकार रूप में माइटोकांड्रिया आवरण के रूप में घेरा रहता है ना। नेक्स्ट देखो पूंछ, तो अक्षीय तंतु यानी मध्यखंड से ही अनवरत पूंछ भी रहती है, और अंतिम खंड में ये तंतु कोशिका द्रव से ढका हुआ नहीं होता, और इसे क्या बोलते हैं, एंड पीस कहते हैं। तो इसका फिगर देख लेते हैं तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा ये स्पर्म का पूरा फिगर है ना, ये है सिर, अभी हमने पढ़ा ना कि स्पून की तरह होता है, चमचाकार होता है ना, और इसमें क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और एक एक्रोसोम होता है, यहाँ पे लिख देना चाहिए था मुझे, खैर छोड़िए, आप समझ गए होंगे, यहाँ पे एक्रोसोम होता है ना। एक्रोसोम जो होता है यही फर्टिलाइज करता है एग को, है ना। फिर यहाँ देखिए ये सिर वाला भाग हो गया, फिर ये देखिए सेंट्रियोल्स है ना, और यहाँ से यहाँ तक जो भाग है ये ग्रीवा वाला भाग बना रहा है, मिडिल पीस बना रहा है, और इसमें देखिए ये क्या है, माइटोकांड्रिया है, ये माइटोकांड्रिया से घिरा हुआ होता है। इसके बाद ये देखिए नीचे है पूंछ वाला भाग, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, एक्सियल जो तंतु होते हैं यहाँ से ये पूंछ वाला भाग स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से जो स्पर्म होता है मुख्य रूप से, तो आप देखेंगे तो देखिए ये हेड है और ये इसका टेल हो गया, तो दो ही भाग में है, लेकिन जब आप और थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका ग्रीवा वाला भाग भी है, तो यानी तीन भाग में ये बटा है। चलिए अब हम स्त्री जनन तंत्र देख लेते हैं। देखिए जो मादा जनन तंत्र होता है इसके अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक गर्भाशय इग्रिया ग्रीवा, और एक योनि और बार्थोलिंगी ग्रंथियां, और साथ ही बाह्य जननेन्द्रियां आती हैं। चलिए अंडाशय देख लेते हैं, तो स्त्री के उदर गुहा में यानी कि उदर गुहा समझ रहे हैं ना, पेट होता है ना, स्टमक, तो उसी के आसपास कैविटी में कशेरुक दंड, जो पीछे कशेरुक दंड होते हैं यानी एक रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके दोनों ओर एक सफ़ेद अंडाशय, एक एक सफ़ेद अंडाशय स्थित होता है, जो एक झिल्ली द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है ना, इस तरह से लगभग एक संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है जो कि गर्भाशय से जुड़ा रहता है। और देखिए लड़की के जन्म के समय ही प्रत्येक अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु भरे रहते हैं, जो कि यौवनारंभ में अंडाणु परिपक्व होते हैं, है ना, यानी एक लड़की का जब जन्म होता है तो उसी समय उनमें जो है एग्स होते हैं, लेकिन जब लड़कियां क्या हो जाती हैं, यौवनावस्था प्राप्त होने लगती हैं, प्यूबर्टी के स्टेज पर पहुँचती हैं, है ना, बड़ी होने लगती हैं, तो इनमें से जो एग होते हैं, अंडाणु होते हैं, वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए अंडवाहिनियाँ, तो ये कुंडलित नलिकाकार लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है और अंडाशय से निकलती है। इसका प्रारंभिक भाग कैसा होता है, चौड़ा होता है, जिसको बोलते हैं एम्पुला,
और अंडवाहिनी का अधिकांशतः गर्भाशय या फैलोपियन नली कहलाता है। अधिकांशतः भाग क्या कहलाता है, गर्भाशय या फिर फैलोपियन नली कहलाता है ना। और इसका ऊपरी भाग कैसा होता है, झालर युक्त होता है, जो कहते हैं उसको अंडवाहिनी कीप। और उदर गुहा में मुखिका ओस्टियम नामक एक छिद्र में ये खुलता है। फिगर में ध्यान दो बेटा, अभी हमने ओवरीज के बारे में पढ़ा है ना, अंडाशय के बारे में। तो ये देखिए फिगर में देख रहे होंगे आप, ये क्या है, ओवरीज है, अंडाशय है ना। क्या अभी हमने देखा था कि स्त्री गुहा के उदर गुहा के दोनों ओर होते हैं सफ़ेद अंडाशय स्थित होते हैं, जो कि गर्भाशय से जुड़े होते हैं। और यहाँ देखिए ओवरीज है ये, ओवरीज के बाद फिर यहाँ पे ओविडक्ट दिख रहा होगा, ओविडक्ट यानी कि अंड वाहिनियाँ है ना। ये देखिए तो देखिए अंडवाहिनी का अधिकांशतः भाग कैसा होता है, गर्भाशय या फिर फैलोपियन नली कहलाता है ना। और इसका ऊपरी भाग कैसा होता है, झालर युक्त होता है, अंडवाहिनी कीप कहलाता है। और उदर गुहा में ओस्टियम नामक छिद्र के द्वारा ये फूलते हैं। गर्भाशय यानी कि यूटेरस, तो प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है, ओके, एक गर्भाशय होता है। ये श्रोणी भित्ति में स्नायुओं के द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। और योनि देखिए क्या होता है, योनि अत्यधिक सिकुड़ने तथा फैलने वाली नलिकाकार रचनाएं होती हैं, और साथ ही रजोधर्म स्राव के लिए भी मार्ग का कार्य करती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी एक मार्ग का कार्य करती हैं वजाइना। और उसके बाद है सहायक ग्रंथियां, तो इसके अंतर्गत एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं सहायक ग्रंथियों के रूप में, और दूसरा होता है पेरेनियल ग्रंथियां। फिगर में ध्यान दो बेटा, ये है वजाइना, ओके। उसके बाद इसके बाद देखिए वजाइना के बाद है यूटेरस, ये यूटेराइन वॉल है, यूटेरस अभी हमने पढ़ा ना यूटेरस के बारे में। और इसके बाद फिर यही कहाँ आगे बढ़ रहा है, यहाँ देखिए ओविडक्ट, ओविडक्ट फिर ओवरीज। नेक्स्ट हेडिंग है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने स्वास्थ्यता की एक परिभाषा दी है। तो इस परिभाषा के अनुसार जनन स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इन तीन आयामों के आधार पर निर्धारित किया जाता है ना। और यानी कि कोई रूप जो है जनरिक रूप से स्वस्थ है कोई इंसान, तो कैसे, तो वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, साथ ही उसका मानसिक अवस्था भी सही होनी चाहिए, और सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ हो, तब तो वो स्वस्थ कहला जाएगा, ठीक है। तो ये परिभाषा दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। चलिए, जिस समाज के सदस्यों के जननांग शारीरिक एवं क्रियात्मक रूप से सामान्य होते हैं, उस समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहते हैं, ठीक है। और भारत में देखिए जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुख्य कारण हैं, कई प्रकार के कारण होते हैं जनन स्वास्थ्य संबंधी के, जैसे कि अशिक्षित समाज है, काफ़ी लोग हैं अभी भी अशिक्षित हैं भारत में। इसके अलावा यहाँ पे बाल विवाह काफ़ी तेजी से चलता है ना, हालांकि इस पे कई कानून बनाए गए हैं बाल विवाह को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ अभी भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर अभी भी बाल विवाह होता है ना। कम उम्र में गर्भधारण की समस्या होती है, बाल विवाह होगा तो कम उम्र में गर्भधारण होगा। फिर यौन शिक्षा की कमी होती है, ठीक, सबसे प्रमुख चीज़ है यौन शिक्षा की कमी है भारत में, और साथ ही यौन संबंधी रोगों की जानकारी भी यहाँ के लोगों में काफ़ी कम है, यानी कि मुख्य रूप से जागरूकता की कमी, ठीक। तो इसके कारण भी जन स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। देखिए सरकार ने सन 1951 में परिवार नियोजन के नाम से एक जन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कल्याण योजना का प्रारंभ किया था, जिसे क्या कहा जाता है, जिसका नाम है परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर कहते हैं, है ना। और इस योजना के कई उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी प्रदान करना, यौन शिक्षा उपलब्ध कराना, गर्भवती महिलाओं को प्रसव शिशुपालन संबंधी ज्ञान देना, साथ ही गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान देना, है ना। और इसके अलावा
लोगों में छोटे परिवार की महत्ता को बताना। तो ये जो है मुख्य रूप से उद्देश्य है इस कार्यक्रम के। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं समष्टि क्या होता है बेटा। समष्टि यानी कि पॉपुलेशन, जनसंख्या से संबंधित है। तो किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जाति के कुल सदस्यों की संख्या को समष्टि कहते हैं या समष्टि का आकार कहते हैं, है ना। कोई स्थान है, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे अपना जिला है, है ना। तो अपने जिले में किसी खास स्थान पर अगर हम देखें कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है, या किसी एक जिले की या अपने देश की हम देखें बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, है ना। तो कुल सदस्यों की संख्या को जितने सदस्य होंगे महिला पुरुष मिला के, ठीक, नर और मादा मिला के जितने सदस्य होंगे उसी को बोलते हैं समष्टि, ठीक है, समष्टि, या फिर समष्टि का आकार बोलते हैं। तो समष्टि का आकार किसी भी क्षेत्र के जन्म दर और मृत्यु दर के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि किसी क्षेत्र में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या कितनी है और साथ ही मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोग कितने हैं, उसके आधार पर ही समष्टि निर्धारित की जाती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो क्या होता है। किसी समष्टि यानी किसी जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या को कहते हैं लिंग अनुपात। यानी कि कितने 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक, तो हम वो उस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ का सेक्स रेशियो ये है। देखिए एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है कि महिला और पुरुष का लिंगानुपात जो है समान हो, है ना। ये नहीं कि पुरुषों की संख्या बढ़ गई और महिलाओं की संख्या कम है, तो ये इस तरह से क्या होगा, वातावरण में असंतुलन आ सकता है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है गर्भरोधी तरीके, ठीक है, जो अनावश्यक रूप से जनसंख्या बढ़ रही है उसकी रोकथाम के लिए, है ना, सरकार ने अभी हमने देखा परिवार नियोजन का कार्यक्रम चला रही है सरकार, क्यों, ताकि अनावश्यक रूप से जनसंख्या को बढ़ने से रोका जा सके। तो अनावश्यक जनसंख्या को रोकने के लिए कई प्रकार से कुछ अवरोध जो हैं चलाए जा सकते हैं, उत्पन्न किया जा सकते हैं या फिर प्रयोग किया जा सकते हैं। तो इसमें पहला है यांत्रिक अवरोध। तो यांत्रिक अवरोध क्या होता है, ये ऐसी युक्ति होती है जो कि स्पर्म को, यानी कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु, नर के शुक्राणु को मादा के अंडकोशिका में पहुंचने से रोक सके। तो जैसे कि है कंडोम, है ना, कंडोम क्या है, एक यांत्रिक अवरोध होता है और ये नर के शुक्राणु को मादा के अंडकोशिका में पहुंचने से रोकने में सहायक होता है। दूसरा देखिए हार्मोन संतुलन परिवर्तन, यानी हार्मोन में संतुलन कर दिया जाए, कुछ चेंजेस कर दिया जाए, तो इससे भी क्या है, अंड का फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, निषेचन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है अंडे में, ठीक है। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो प्रायः कैसे ले जाती हैं, गोलियों के रूप में ले जाती हैं, ठीक। तो वो जो गोलियों के रूप में दवाई ले जाती हैं, पिल्स वगैरह ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, जब स्पर्म जो है अंड तक पहुँच जाता है, मादा अंड तक, तो ये उसको फर्टिलाइज होने से रोक देता है, निषेचित होने से रोक देता है, ठीक है, इन दवाओं से, और एक नए शिशु का निर्माण नहीं हो पाता। फिर देखिए आईयूडी तकनीक, तो इसे जो बोलते हैं अंतः गर्भाशय युक्ति बोलते हैं इसको। इसमें क्या कहते हैं, इसमें औषधि रहित युक्तियां जैसे कि लूप या कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है। लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है ना, तो गर्भाशय में स्थापित कर जाता है, तो जो स्पर्म होता है शुक्राणु वो नहीं पहुँच पाता अंड तक, ठीक है। जब अंड तक नहीं पहुँच पाएगा तो अंड जो है निषेचित नहीं हो पाता और नए शिशु का निर्माण नहीं हो पाता। इसके अलावा कुछ शल्य चिकित्सा भी होती हैं, कुछ ऑपरेशन वगैरह के द्वारा भी कुछ उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि बंध्याकरण, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में, और या फिर शुद्ध रूप में, ये तो हिंदी ही लिखा है ना, और शुद्ध रूप में इसको बोलते हैं नसबंदी। तो देखिए पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर जाता है, पुरुषों में जो शुक्रवाहिकाएँ होती हैं उसी को कट कर दिया जाता है, ठीक है, जो शुक्रवाहिका जैसे ऐसे होती है ना, तो इसको कट कर दिया जाएगा, इसको कट करके ऊपर ऐसे बांध दिया जाता है, बाइंड कर जाता है, और नीचे वाला इधर बांध कर दिया जाता है, है ना, जिसे बोलते हैं पुरुष नसबंदी। तो इससे क्या होता है, इसी प्रकार से होता है महिला में अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर जाता है, वही यानी कि अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, जिसे कि बोलते हैं महिला नसबंदी, ठीक है।
और महिला नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी और पुरुष नसबंदी को बोलते हैं वासेक्टॉमी, है ना। यहाँ से याद रखिए, पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं? वासेक्टॉमी, और महिला नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ओके, इसके अलावा ये बेटा इस चैप्टर में आप लोग को यही परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन के क्या लाभ हैं नियोजन करने से, है ना, छोटा परिवार किस तरीके से समाज को अगर आगे बढ़ा सकता है, यही सब दिया है। तो परिवार नियोजन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, यानी कि अतिरिक्त जनसंख्या को बढ़ने से रोकना ही क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है ना। तो परिवार को, और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर छोटा परिवार रहेगा तो क्या होगा, उसमें जो है आय का उपभोग जो होगा, आय का उपभोग यानी कि अगर घर में कम सदस्य होंगे तो सबको जो है शिक्षा अच्छी तरह से मिल सकेगी, सबके लिए भोजन की उपलब्धता हो सकेगी, है ना। लेकिन जब वही सदस्य जब ज़्यादा होंगे तो क्या सबको लिए समान शिक्षा दे पाएंगे? नहीं,